हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मंगलवार को महानगर के पौश इलाके शास्त्री नगर की सेंट्रल मार्केट स्थित ज्वेलरी की दुकान पर दिनदहाड़े बाइक सवार तीन बदमाशों ने सोने चांदी के जेवर और नकदी लूट ली। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने दुकानदार को पिस्टल दिखाई। लूटपाट कर बदमाश बेखौफ होकर फरार हो गए। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में अक्षय जिंदल पुत्र पवन कुमार बागपत रोड देव पार्क निवासी की रति राम अनिल कुमार के नाम से दुकान है। दुकान पर पवन कुमार का बेटा अक्षत जिंदल बैठता है। चार साल पहले ही दुकान का उद्घाटन किया गया था। इस दुकान में सोने चांदी के आभूषण और रत्नों को बेचने का काम किया जाता है। आज मंगलवार को दोपहर अक्षत जब दुकान पर बैठा था, उसी दौरान करीब 2 बजे पल्सर बाइक सवार दो बदमाश दुकान पर रुके। बदमाशों ने दुकान के इधर उधर देखा और इसके बाद भीतर घुस गए। दुकान के भीतर घुसकर बदमाशों ने अक्षत जिंदल को हथियारों के बल पर दुकान में बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाशों ने अक्षत को आतंकित कर उसे सोने चांदी के जेवर व हजारों की नकदी लूट ली। बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए उसकी कनपट्टी पर गन लगा दी। इस दौरान बदमाशों ने दुकान का शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया। बदमाशों ने अक्षत से तिजोरी की चाबी लेकर उसमें रखे जेवरात और सोना चांदी का एक बैग भर लिया। इसके बाद लूटपाट कर बदमाश शास्त्री नगर से होते हुए फरार हो गए। बदमाशों के जाने पर अक्षत ने शोर मचाया। मौके पर खासी भीड़ जमा हो गई। पुलिस में सराफा की दुकान में लूट की घटना से हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर नौचंदी मौके पर पहुंचे, बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग की, लेकिन बदमाश हाथ नहीं लग सके। इसके बाद एसपी सिटी डॉक्टर ए.एन. सिंह ने घटना स्थल का मुआयना किया। पीड़ित सराफ से घटना व बदमाशों के हुलिये की जानकारी ली। बदमाश जाते समय अपने साथ दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी ले गए, लेकिन एक अन्य दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश कैद हो गए। तीन लोग आए थे, पहले 2 जने आए, फिर एक और आया और गन पॉइंट पे सारा सामान ले गए। कितने का माल गया है, क्या पूरी हुई? पहले 2 जने आए थे बाइक पे, फिर एक और आया था, फिर उस बैग में भर के सारा सामान ले गए। वो क्या, वो लोग पहले भी कभी दुकान पे भी ले गए? पहले कभी दुकान पे भी आए हैं वो लोग? दुकान पे 6-7 महीने पहले 2 जने आए थे बस। कितने का नुकसान है वो सर अभी देख के बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। नौचंदी थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर शॉप पर 3 बदमाश अंदर आए, जिनके द्वारा दुकान के मालिक और उनके 2 सहयोगी जो वहाँ काम करते हैं, उनको गन पॉइंट पर लेकर वहाँ पर लूटपाट किए हैं। लूटपाट करने के बाद वो फरार हो गए हैं, जिनके बारे में सीसीटीवी फुटेज से महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें मिली हैं और इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसका निवारण किया जाएगा। असल कितने लोग सर, टोटल कितने का अनुमान अभी तक बताया? अभी अपना करके जैसा बताएंगे फिर आपको अवगत कराया जाएगा। एसपी सिटी डॉक्टर ए.एन. सिंह ने थाना पुलिस को लूट की घटना का राजफाश करने के आदेश दिए। अक्षत ने थाने पर लूट की तहरीर दी है। अक्षत ने बताया कि बदमाश लगभग 1 करोड़ के सोने चांदी जेवर और हजारों की नकदी लूट कर ले गए। इंस्पेक्टर का कहना है कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने सराफ की दुकान पर लूट को अंजाम दिया है, जबकि एक तीसरा बदमाश पैदल ही दुकान में घुस गया था। बदमाशों की तलाश की जा रही है। दिनदहाड़े लूट की वारदात से व्यापारियों में दहशत फैल गई। सराफ की दुकान में लूट की वारदात से दहशत है, जबकि यहां मार्ग पर दिन भर आवागमन रहता है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ आदित्य गुप्ता, Time 24 न्यूज। Time 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।